स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, स्टूडेंट्स आज आपके पास रिवीजन वीडियो सेंड की जा रही है। इसमें आपको बुक वर्क एक्सप्लेन किया गया है। आपको यह वीडियो ध्यान से देखनी है और अपना बुक वर्क लर्न करना है और अपना कॉपी वर्क भी ऑल कॉपी वर्क लर्न करके उसका रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, स्पेलिंग लिख के देखनी है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आज पढ़ते हैं अपना बुक वर्क। आपको जो बुक चैप्टर है पूरा वो एक्सप्लेन कराया जा चुका था, ठीक है। आई होप आप सभी ने अच्छे से पढ़ा होगा, आपको हेल्प मिल जाती है अगर आप चैप्टर अच्छे से रीड करते हो ना। फिर जब हम लर्निंग वर्क करते हैं एग्ज़ाम के लिए तो उसमें बहुत हेल्प मिलती है, तो इसलिए स्टार्टिंग से ही हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर टू, चैप्टर नेम इज़ पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। इसमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट है आपका डैश एंड डैश आर एडिबल रूट्स। इसमें आप क्या फिल करेंगे, फर्स्ट डैश में आप लिखेंगे टर्निप, फिर लिखेंगे आप रेडिश। आप कोई भी एडिबल रूट्स लिख सकते हैं, जैसे कि आप और भी लिख कैरेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। वे रूट्स जिसको हम खाते हैं, ठीक है, जैसे आपके टर्निप हो गए, रेडिश, मूली, जैसे शलगम, गाजर, ये सब चीज़ें जो हम खाते हैं, जिन जड़ों को हम खाते हैं वो। ओके स्टूडेंट्स, आप टर्निप की जगह रेडिश, रेडिश की जगह टर्निप भी लिख सकते हैं। सेकेंड है आपका डैश एंड डैश ट्रेवल थ्रू द स्टेम टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इसमें आप फर्स्ट में लिखेंगे वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड है आपका डैश मेक फूड फॉर द प्लांट। प्लांट के लिए भोजन कौन बनाता है, लीव्स। इसमें आप क्या लिखेंगे, लीव्स। फोर्थ है आपका ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लीव्स गिव आउट डैश गैस। इसमें आप लिखेंगे ऑक्सीजन। फिफ्थ है आपका डैश कंटेन बेबी प्लांट। इसमें आप लिखेंगे सीड। इसमें आप क्या लिखेंगे, सीड। चलिए नेक्स्ट है आपके नेम द फॉलोइंग। उसमें हम उनके नेम लिखेंगे। फर्स्ट है आपका द मेन रूट ऑफ द प्लांट विच ग्रो डाउन वर्टिकली। इसमें आप लिखेंगे टैप रूट। सेकंड है आपका द हार्ड स्टेम ऑफ द ट्री। आंसर है ट्रंक। थर्ड द सब्सटेंस नेसेसरी फॉर लीव्स टू मेक फूड। आंसर है आपका क्लोरोफिल। फोर्थ है द सेक्शन ऑफ प्लांट विच ग्रो अबाउ द ग्राउंड। आंसर है आपका शूट सिस्टम। फिफ्थ है द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मोस्ट ऑफ द प्लांट। आंसर है आपका सीड। सिक्स द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। आंसर है आपका फोटोसिंथेसिस। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको अच्छे से लर्न करना है। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर पर। आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर फिफ्थ। नेम है ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। इसमें आपको डिफाइन कराए गए हैं, सभी को डिफाइन अच्छे से याद करने हैं। इनमें से कोई भी डिफाइन आपके क्वेश्चंस में, क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। चलिए फर्स्ट डिफाइन है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस क्या होते हैं, एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स एंड प्लांट्स पार्ट्स एज फूड। ठीक है, वे आपके हर्बीवोरस होते हैं जो प्लांट्स खाते हैं और प्लांट्स के पार्ट्स खाते हैं। कार्निवोरस एनिमल्स दैट, सेकंड है आपका कार्निवोरस, एनिमल्स दैट ईट ओनली द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल। जो अदर एनिमल का फ्लैश खाते हैं वो आपके क्या होते हैं, कार्निवोरस। नेक्स्ट है आपके ओमनिवोरस। इसका आप लिखेंगे एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ एनिमल्स। जो दोनों चीज़ खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं, वो आपके होते हैं ओमनिवोरस। अब हम करेंगे स्केवेंजर। क्या होते हैं, एनिमल दैट ईट डेड एनिमल, ओनली वे एनिमल जो डेड एनिमल को खाते हैं। अब हम लिखेंगे फूड चेन। ईटिंग फूड एंड बींग ईटन एज फूड फॉर्म्स अ साइकिल, उसको हम कहते हैं फूड चेन। अब हम लिखेंगे नेम दीज। फर्स्ट है अ कार्निवोरस एनिमल दैट ईट्स डियर, आंसर लायन। सेकंड अ हर्बीवोरस एनिमल फाउंड इन द फॉरेस्ट, आंसर है आपका एलिफेंट। थर्ड एन ओमनिवोरस विल्ड एनिमल, आंसर है बियर। फोर्थ है आपका द एक्ट ऑफ फीडिंग इन काउज चीविंग द कर्ड। फिफ्थ एन एनिमल विद अ स्टिकी टंग, आंसर है आपका फ्रॉग। एन एनिमल दैट शक फूड विद अ होलो ट्यूब, आंसर है आपका बटरफ्लाई। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। आपका नेक्स्ट चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है आपके उसमें सिलेबस में, नाइन, चैप्टर नाइन।
आपको पता है ना सिलेबस में कितने चैप्टर हैं, 3 चैप्टर हैं। कौन कौन से? 2, 5 एंड 9। तीनों चैप्टर आपको अच्छे से याद करने हैं। चलिए इसका फिलअप्स देखते हैं हम। चैप्टर नेम है द अर्थ। फिलअप्स है फर्स्ट, द अर्थ वॉज अ बॉल ऑफ डैस व्हेन इट वॉज फॉर्म्ड, यह है गैसेस। सेकेंड, मेल्टेड मेटल्स आर फाउंड इन द डैश ऑफ द अर्थ, आंसर है इसका कोर। फिर है आपका थर्ड, द अर्थ इज डैश इन शेप, इसका आंसर है आपका, इसमें आप क्या लिखेंगे? राउंड। फोर्थ है, द अर्थ कंप्लीट्स वन डैश ऑन इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स, इसमें आप लिखेंगे रोटेशन। चलिए नेक्स्ट है आपके इसके क्वेश्चन, इसी चैप्टर के आपके दो फिलअप्स हो रहे हैं बस। 5, द अर्थ गोज अराउंड द सन ऑन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड, इसको कहते हैं हम ऑर्बिट। 6 है आपका, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द डैश इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन, आंसर इसमें लिखेंगे आप सन। आई होप आपको ये तीनों चैप्टर समझ आ गए होंगे बच्चों। आपको ये अच्छे से याद करने हैं और अपनी एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। कॉपी वर्क, ओल्ड कॉपी वर्क आपको याद करके लिख कर देखना है। थैंक यू।